नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके सिंबल्स को स्टडी करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रा करना है तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे ड्रा करोगे? आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा करोगे कुछ सिंबल्स की हेल्प से। अब जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपको ड्रा करना है, मान लीजिए आपको एग्जाम पूछा गया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बोला गया है ड्रा करने के लिए जिसमें एक सेल होना चाहिए, एक की होनी चाहिए, एक एमीटर होना चाहिए, तो आप उसको कैसे ड्रा करोगे? तो उसके लिए आपको एमीटर का सिंबल पता होना चाहिए कि हम एमीटर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से आपको की को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ सिंबल है जो हमें याद होने चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा करने के लिए, तो इस वीडियो में हम उन सिंबल्स को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट सिंबल इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा करने के लिए चाहिए वो सभी के सभी स्टडी करेंगे। जैसे बिल्कुल सिंपल से हम शुरुआत करते हैं सेल। सेल को आप जानते ही हैं, जो हमारी घर वाली वॉच, जो हमारी वॉच होती है, टीवी के रिमोट होते हैं, उनमें जो सेल होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम देखिए हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल आपने देखा होगा उसपे एक तरफ पॉजिटिव साइन होता है, एक तरफ नेगेटिव साइन होता है, वही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव साइन, एक तरफ नेगेटिव साइन। अब हम बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बैटरी या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको भी हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन करेंगे। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तरीका वही है कि इसमें तो एक सेल को हमने दिखाया है, इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिखाएंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। इसको आपको याद रखना है कि एक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हम बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने एक सेल को रिप्रेजेंट किया है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट किया है। अब हम पढ़ेंगे कि हम वोल्टमीटर और एमीटर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमीटर का क्या काम होता है और वोल्टमीटर का क्या काम होता है। वोल्टमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, और एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। तो आइए हम देखते हैं कि हम एमीटर और वोल्टमीटर को किस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्टमीटर सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल सिंपल। फिर है एमीटर। एमीटर का क्या काम है? एमीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। अब तक हमने चार सिंबल्स को स्टडी किया, चार कंपोनेंट्स को स्टडी किया कि हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सेल, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, फिर वोल्टमीटर और फिर एमीटर। अब हम पढ़ेंगे प्लग की, जिसको हम बोलते हैं स्विच। प्लग की और स्विच, सबसे पहले हम प्लग की और स्विच, जो ओपन स्विच है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। और स्विच जो ओपन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से। ये दो सिंबल है जिनका यूज करकर हम प्लग की और स्विच, जो ओपन स्विच है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम प्लग की और स्विच, जो क्लोज्ड है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज्ड की और स्विच जो क्लोज्ड है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए आप, इस तरह से। या फिर एक तरीका और है इस तरह से, प्लग की और स्विच जो क्लोज्ड स्विच है उसको हम इन दो तरीकों से, दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब तक हमने स्टडी किया कि हम सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। फिर बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हमने स्टडी किया, फिर वोल्टमीटर को, फिर एमीटर को। एमीटर का क्या काम है? एमीटर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। फिर हमने स्टडी किया प्लग की और स्विच,
ओपन को भी और क्लोज्ड को भी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायर के बारे कि हम वायर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर जॉइन यानी जो दो वायर आपस में जॉइन है, जो दो तारे आपस में जॉइन है, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम दो जॉइंट वायर को रिप्रेजेंट करते हैं और जो दो वायर क्रॉस करती है बिना जॉइन किए हुए, उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन, इनको हम सीधा रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम इनको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहां पे हमने स्टडी किया दो कि हम जॉइन वायर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइन कि जो दो तारे आपस में क्रॉस कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को जॉइन नहीं करती, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम बल्ब को किस तरह से, इलेक्ट्रिक बल्ब को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सिंबल भी बिल्कुल सिंपल है, जो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल कि हम रेजिस्टेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब तक हमने यहाँ पे देखा रेजिस्टेंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में। इस तरह से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट डायग्राम में। तो अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए एग्जाम में, तो आप सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए आपको इन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम सर्किट डायग्राम को कैसे बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में जो सिंबल यूज होते हैं जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हमें इनको याद होना चाहिए, ये सिंबल हमें याद होने चाहिए कि हम सर्किट डायग्राम में इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे अगर सर्किट डायग्राम में आपको बोला जाए कि एक सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब हो, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए, एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाए, तो आप इलेक्ट्रिक बल्ब को उस सर्किट डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।